मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उस मिथक को तोड़ दिया जिसमें कहा जाता था कि कोई राजा रात में उज्जैन में नहीं रुकता। मोहन यादव ने रात उज्जैन में बिताई है। इसके बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बाबा महाकाल के बच्चे हैं। बाबा महाकाल तो पूरे ब्रह्मांड के राजा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्षों से एक मिथक था कि कोई भी राजा यहाँ रात को रुक नहीं सकता। इस कारण देश को कोई भी नेता या यहाँ रात को नहीं रुक सकता। इसके पीछे कहा जाता था कि यहाँ के राजा महाकाल है। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया है। वह रात में यहाँ रुके। उन्होंने कहा कि मैं भगवान महाकाल का बेटा हूँ, मैं यहाँ रुक सकता। सीएम ने कहा कि अगर उन्हें नुकसान ही करना होगा तो कहीं भी कर सकते हैं। नगर निगम सीमा से क्या लेना देना। भगवान महाकाल केवल नगर निगम सीमा के राजा थोड़ी हैं, वह पूरे ब्रह्मांड के राजा है। भगवान महाकाल की इच्छा थी तो मुझे उन्होंने सीएम बनाया और कहा कि तुम यहाँ मिथक तोड़ो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यह एक उदाहरण है। मोहन यादव ने कहा कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस बात का आनंद है। जाने अनजाने में पता नहीं कोई घटना हुई हो तो राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया ने की थी। दौलत राव जी के समय में 1852 में राजधानी यहाँ से गई तो उन्होंने समीकरण बना। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर राजा रात में नहीं रहेगा वरना सब निपट जाएगा, तो कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए यहाँ। मोहन यादव ने कहा कि सिंधिया की राजनीतिक रणनीति के बाद से जाने अनजाने में हम लोग भी ये बात मानने लगे कि रात में नहीं रुकेंगे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ परिधि रघुवंशी। खबरों के लिए आप बने रहिए मधुभाषी के साथ।